आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ढाका। आज मैं खड़ी हूँ देहरादून के परेड ग्राउंड पर, जहाँ पर कुछ महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। आपको बता दूँ कि पुलिस कर्मियों की ये स्वजन है, यानी कि उन्हीं के परिवार है महिलाएं, और आज नहीं बल्कि मार्च के महीने से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। पिछले 3 दिनों से परेड ग्राउंड के सामने ये लोग बैठ कर आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और आज हम यही खबर आपको दिखाने के लिए आए हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और आगे इन लोगों की क्या प्लानिंग है कि किस तरीके से सरकार से अपनी मांगे मनवा पाए। क्या पुलिस कल ही घोषणा जाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा घोषणा करी है, लेकिन स्मृति दिवस से सैनिकों का अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा। हमें घोषणा ही नहीं चाहिए थी, हमें उसका जीवन जानी चाहिए। हम चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो हमारे वित्त सचिव जो है उन्होंने उसको धरातल पे क्यों नहीं उतारा है। हमारा अधिकार है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपनी जायज मांग के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना धरने को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा जीवन जारी नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। 3 दिन से अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे बैठे हैं। पति हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करता है, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अगर आज भी हमारा जीवन जारी होता है, हम अपने धरने को समाप्त कर देंगे। अगर नहीं होता तो हमारी कुछ बहनें हल्द्वानी चले जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना जन संवाद रखेंगे, सोशल मीडिया पर तरीके से आगे बढ़ेगा, बच्चों के तरीके से रखेंगे, लेकिन अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। तो हम सरकार से यूँ कह रहे हैं, इन्होंने घोषणा करी है, घोषणा नहीं मान लो और हमारा चयन तो इसको पास करो, क्योंकि एक पुलिस स्टेट चलाती है, स्टेट पुलिस को नहीं चलाती है, पुलिस स्टेट को चलाती है, सरकार को पुलिस चलाती है, सरकार पुलिस को नहीं चलाती है, क्योंकि ठंड गर्म ड्यूटी 24 घंटे पुलिस देती है, पुलिस के बल बूते पे ये लोग सेफ रहते हैं। तो ये ऐसी क्या विडम्बता है कि जो ये 4600 ग्रेड पे लागू नहीं कर रहे, हमारे एक वाले पुलिस वालों का 1 साल 1 20 साल और 2 महीने ऊपर हो गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो तुमने घोषणा करी थी स्मृति दिवस में, उसको तुम लागू करो। इन्होंने कहा कि 27 की कैबिनेट में करेंगे, 30 की कैबिनेट में करेंगे, अब कह रहे हैं 21 की कैबिनेट में करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि 16 तक हमारा जियो 16 तक पास होना चाहिए, 16 के बाद जो नई भर्ती आएगी उनका मानदेय अलग होना चाहिए, और अगर 31 तारीख को अगर हमारा जियो पास नहीं हुआ तो फिर 31 तारीख को रात देखना देहरादून में क्या तांडव मचेगा, इसकी हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं। हमारे आज इतनी बड़ी विडम्बना हमारे उत्तराखंड राज्य में हो चुकी है, पुलिस परिवार यहाँ बैठा, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहा, ना हमें आश्वासन दे रहा है, ना हमें वार्ता करने के लिए। कल हमें DGP सर के पास PHQ में ले गए, हमें नहीं पता था हमें DGP सर से मिलना है, यहाँ से जब PHQ में ले गए उन्होंने कहा आगे आपकी वार्ता होगी, कहाँ वार्ता होगी, PHQ से हमें वापस आया, हमें DGP सर से वार्ता विफल रही, हम वापस आए। 3 दिन हो चुके हैं, कल रात इतनी ठंड में बैठे हुए थे, सब जगह सबके अधिकारी लोग उनके सब शुद्ध ले चुके हैं, हमारे कोई अधिकारी लेता नहीं कि तुम कैसे हो क्या हो, हम आपस में ही मिल बांट के जो कर रहे हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछा, यानी कि या तो ये जीवन जारी करेंगे या ना करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या अभी हमें वो नहीं है कि करें कि नहीं करें, झूठा आश्वासन है। करते हैं तो ये हमें आश्वासन देने क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे संत अम्मा जी ने क्यों नहीं आ रहे, या हमें अंदर बुला बैठक में सम्मेलन सम्मिलित करनी है, हमारे सामने कुछ बात क्यों नहीं रख रही है, इन्होंने हमें गुमराह कर रखा है। मैं और कल मोदी जी आ रहे हैं, हम कुछ बहने कुमाऊँ जाएंगे, कुछ बहने यहाँ रहेंगी, और धरना ये अगर हमारी बात वहाँ नहीं होगी, हमें 31 तारीख हम जियो जारी का इंतजार नहीं, हम रोड में रोड जाम कर देंगे, हमें 31 तारीख का इंतजार हमसे नहीं होगा, हमारा इंतजार सिर्फ कल तक है, 30 तारीख तक, 30 दिसंबर लास्ट इंतजार है, हम जियो जारी हो ना हो हम रोड जाम कर देंगे, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। अब सरकार हमारी सुध लेती है चाहे नहीं लेती है, वो सरकार के हाथ में है, बस फाइनल डिसीजन यही रहेगा हमारा। धन्यवाद। हमने देखा कि बाकी लोग की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है, कल करना लगे को भी आएगी, उन्होंने भी सहयोग दिया। बिल्कुल मैम, सारी पार्टियाँ आज कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, मैम पार्टियाँ आ रही हैं, हम उन्हें हमको बोले जाते हैं कि पार्टी का सपोर्ट मत लो, मैडम जो हमारे सपोर्ट में, हम उनको बोलेंगे तुम यहाँ से चले जाओ, हम कौन होते ऐसे बोलना कि तुम जाओ, हमारे अधिकार हम अधिकार कितना भगा रहे, जो आएगा सपोर्ट में आए हमारा उनका स्वागत है, हमारे मंच में आए आपका स्वागत है, आप हमारे 4600 ग्रेड पे की मांग के लिए खड़े हो रहे, हम किस तरीके से आपको यहाँ से अपने धरने से हटाएंगे, आओ हमारे साथ में आगे तक जाना, हम आपके साथ में जाने के तैयार है, और सपोर्ट करो, हमारा सपोर्ट आपके साथ में है, BJP कांग्रेस जो भी पार्टी हमने पहले भी कहा था अभी भी कह रहे सपोर्ट उसी पार्टी को रहेगा। पुलिस कर्मियों के जो परिवार है वो कितने आक्रोश में है, वो हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं पिछले 3 दिनों से
लगातार यहाँ पर बैठ कर धरना दे रही है, परेड ग्राउंड के सामने कभी सचिवालय को आ रही है, कभी सीएम आवास पूछ रही है, लेकिन वो यहाँ से बिना अपनी मांगों को पूरा किए लौटेंगे नहीं। साथ साथ महिलाओं ने ये भी चेतावनी दे दी है कि जब मोदी जी हल्द्वानी में आएंगे कल 30 दिसंबर को, तो वो वहाँ पर जाके भी मोदी जी से मदद मांगेंगी, और अगर वहाँ पर भी उनकी मांगें पूरी नहीं कर दी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 31 तारीख तक इंतजार करने की इन्होंने चेतावनी दी है कि न्यू ईयर में कुछ ना कुछ एक बड़ा कदम उठाने वाली है। तो यही सारी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त अपने सहयोगी तपन के साथ, मैं आकांक्षा थापा, जय भारत।